बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जो दिया है संविधान के माध्यम से, वो हमें चाहिए। हम भीख नहीं मांग रहे, हमें हमारा हक चाहिए। अगर हम हमारा हक नहीं देंगे तो हम हर जगह पे हम रोकेंगे। उत्तर प्रदेश के ये सांसद में 110 सांसद हमारे बैठे हुए हैं जो आरक्षण के माध्यम से वहाँ गए। महाराष्ट्र में 85 MLA बैठे हुए। इन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है हम किसका नेतृत्व करें। ये मनुवादी मानसिकता के तलवे चाटने वाले जो लोग बैठे हुए सत्ता के ऊपर, तो उनको पूछना चाहता हूँ, आप अपनी मानसिकता बदलो, बहुजनों के हित में बात करो। जो बहुजनों के आरक्षण के माध्यम से आप वहाँ पहुँचे हैं, उनको न्याय दिलाने का काम करो। नहीं तो आने वाले दिनों में महाराष्ट्र और पूरे देश के अंदर भीम आर्मी इनका चक्का जाम करके इनका बाहर घूमना बंद कर देंगे। शेखर भाई के साथ और यहाँ JNU के और ये सब जितने लोग समर्थन में आए, उनको मैं बताना चाहता हूँ, महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में राजनीति के सभी समीकरण बदल जाएंगे। ये दावे के साथ कहता हूँ, इतने हम जोर से जोर लगा के भीम आर्मी पूरा महाराष्ट्र में छा जाएगी, ये मैं आपको आश्वासित करता हूँ। और फिर एक बार जय भीम बोलता हूँ।